शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े सीपीआई नेता शबर हसैन के घर में घुसकर उन पर फायरिंग की। एक गोली उनके पैर में लगी है जबकि एक अलमीरा में लगी। वे गोली लगने के बाद छटपटाने लगे। अपराधी बाहर में हवाई फायरिंग करते वहां से भाग निकले। इस दौरान एक अपराधी ने कहा कि ब्रह्मपुरा वाला जमीन दे दो, अन्यथा अगली बार जान से हाथ धोना पड़ेगा। घटना नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार अली मिर्जा रोड में घटी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर थाने के दरोगा रंजीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल शबर हसन को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना स्थल पर छानबीन की गई। पुलिस को वहां से एक खोखा मिला जिसमें 3 राउंड फायरिंग की बात बताया जा रहा है। इसे जब्त कर लिया गया है। घटना के संबंध में घायल सबर हसन ने बताया कि वह अपने घर के बेडरूम में आराम कर रहे थे। इसी दौरान 2 नकाबपोश अपराधी आए। घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर में जैसे ही घुसे वे पलंग पर से उठकर पूछने गए कि क्या बात है। तभी एक नकाबपोश अपराधी ने पिस्तल से उनकी तरफ फायरिंग कर दिया। सबर हसन ने बताया कि उनका ब्रह्मपुरा किला चौक पर 2 कट्ठा 10 धूर जमीन है। उस जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। 2 दिन पूर्व भी उन्हें डराने के लिए सुतली बम से हमला किया गया था जिसकी सूचना टाउन थाना को उन्होंने दी थी। इसके बाद आज फायरिंग की गई। इसमें उनके कुछ दूर के रिश्तेदारों का भी हाथ है। पुलिस ने उनका बयान दर्ज कर लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर CCTV खंगाले जा रहे हैं। 12:15 होगा, 2 लड़का मुंह पर कपड़ा बांध के हमारे रूम में घुसा, गेट पर खटखटाया था। हम गेट खोले तो उसके बाद वो बंदूक सीधे निकाल दिया। इतना बड़ा बंदूक था, काला ऐसा वो निकाला तो हम माइंड क्या गया, हमें बिछौना पर गिर गए। तो उसके बाद वो फायर कर दिया हम पर। फायर करने के लिए निकाला था लेकिन वो फायर जो किया तो हम गिरे तो पैर उठ गया, तो पैर पर गोली लगी एक, और एक मेरे रूम में अलमीरा है गोदरेज का, उस पे गोली चलाया। कौन लोग है, काहे से किया? सर देखिए 2 आदमी है, वो पहचानते तो उसको हम नहीं है, लेकिन हमारा शक ये है कि सर हमारा ब्रह्मपुरा में जमीन है, किला चौक पर हमारे दादा जमीन 2 कट्ठा 10 धूर है। उससे हमारा विवाद चल रहा है फैयाज से, फैयाज खान और जॉन रिजवी और बेबी और एक जावेद। आपको क्या सके यही लोग फायरिंग? हाँ यही लोग सर करा, यही लोग बार बार हमको धमकी। 3 दिन घर पे आया था बदमाश लोग, भाड़ा कर था। अभी तो हमको नहीं पता है सर कि भाड़ा का नकाब लगाया हुआ था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अपराधियों की उम्र 25-26 वर्ष के बीच रही होगी, लेकिन दोनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, इस कारण पहचान नहीं सका। इधर मौके पर पहुंचे नगर थाना के दरोगा रंजीत कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक व्यक्ति के पैर में एक गोली लगी है, इलाज के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके से एक खोखा बरामद हुई है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया कि आजाद मिर्जा गली में गोली चला है, जिसके पश्चात हम इसको जांच सत्यापन हेतु हम पक्कीसराय से गए वहाँ आजाद मिर्जा गली में, तो देखे कि सबर हुसैन घायल अवस्था में, जिनके पैर में गोली लगी है दाहिने पैर में, और जिसके पूछताछ करने पर बताया गया कि इनका एक पुरानी विवादित जमीन है ब्रह्मपुरा थाना के अंतर्गत, जिसमें ये 4-5 व्यक्ति को नाम बता रहे हैं कि वही मैंने करने की संभावना है घटना के, और ये बोले कि 2 अज्ञात युवक आए और मेरे दरवाजे को खुलवाए, जिसके बाद मैंने खोला और तब तक पिस्टल निकाल कर गोली हमारे पर चलाया, तो जिससे हम गिर गए और पैर पर गोली लगी। कितनी राउंड फायरिंग हुई? ये जैसे पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि 2 राउंड गोली चली है, लेकिन हमको एक ही खोखा बरामद किए गए हैं। एक शीशा पर जो फायरिंग है उसका निशान है। अस्पताल लाया गया है क्या? डॉक्टर के द्वारा बोला गया? अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर द्वारा बताया गोली मतलब पैर में नहीं है, स्थिति सामान्य है। आगे कार्रवाई किया जाएगा गिरफ्तारी हेतु और अज्ञात युवक के CCTV फुटेज द्वारा पहचान किया जाएगा।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753333।